नमस्कार दर्शक बंधु, सकाळ खबर रो ट्रैवल ओडिशा कार्यक्रम को स्वागत। ट्रैवल ओडिशा कार्यक्रम रे आज आम रखीचु मराल मालिनी नीलांबु चिलिका, जहाँ को कवि गोपबंधु दास अति स्पष्ट भाव रचना करथिले एक काव्य। आज आम उपस्थापना करिबु एवं आमर ट्रैवल ओडिशा कार्यक्रम रे देखेबु मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। आसंतु देखिबा एवं जानिबा चिलिका संपर्क रे खास कथा एवं सौंदर्य एवं ऐतिह्य। ओडिशार पूर्व उपकूल चिलिका ह्रद आम देशर सर्वबृहत लवणाक्त ह्रद। यार परिसीमा प्राय 906 वर्ग किलोमीटर। वर्षा दिने 1100 वर्ग किलोमीटर रु ह्रद अंचल परिव्यक्त। एही ह्रद राज्यर तीनोटी जिला यथा पुरी, खोर्धा और गंजाम व्यापी रही। दया और भार्गवी नदी चिलिकार मिशंट। यही ह्रद मधे केते गुड़ाए दीप और पहाड़ मध्य रही। शीत ऋतु सुदर साइबेरिया तथा अन्यान्य विदेशाग्रत विरल पक्षी माने यही ह्रदर नलबण ठारे देखा मिलती। अति सुंदर प्राकृतिक परिवेश भरा चिलिका ह्रद। ह्रद मध्यरे थिबा कालीजाई मंदिर तथा विदेशाग्रत पक्षी मानंकु देखिबा पाई देश विदेशर बहु संख्यक पर्यटक एठाकु आसिथांती। शीत आसिले चिलिकारे विदेशी पक्षीक संभार बढ़िथाए। नीलांबु चिलिका समग्र विश्वरे पक्षी तीर्थ भावे सुपरिचित। दक्षिण आफ्रिकार भिक्टोरिया ह्रद परे ओडिशार चिलिका ह्रदर नलबण विश्वर द्वितीय बृहत्तम पक्षी अभयारण्य। विशेषकर प्रतिवर्ष शीतदिने अक्टोबर मासरु ही चिलिका ह्रद को देश विदेशर पक्षी मानक आगमन होइथाए। अत्यधिक शीतरु रक्षा पाइबा, चिलिकारे उपयुक्त जलवायु परिवेश और प्रचुर परिमाणर खाद्य मिलुथिबारु विदेशागत पक्षी माने एठारे किछि मास धरी समय बिताइथांती। आमे आसी पहुँचीचु चिलिकार नलबण रे एवं चिलिकार नलबण जेहेतु प्रसिद्ध अटे पक्षी मानक विदेशागत पक्षी मानक पई आम सहित अच्छा वरिष्ठ अधिकारी जे कि आमको अधिक सूचना देबे। आमे तांकु सीधा सळख भाबे पचारिबा। सर आपनको स्वागत करुछि सकाळ खबर वेब चैनल को। जेहेतु दर्शक जो आसछन्ती पर्यटक माने आसछन्ती नलबण देखिया पई चलित वर्ष पर्यटक मानक पई बारण करा दिछि। माने एटा त प्रत्येक वर्ष पई बारण होछि जेहेतु एटा सैंक्चुअरी एरिया या भीतर अलाउ नाही का पई तेणु जी आसब बाहर जहाँ देखिपर आम जो बाउंड्री बाहर बैनाकुलर से जो पर्यटक मैंने आसवे से कौन सुविधा कि अच्छी कि पक्षी मानक कि निकट रू देखिपारे किसी बंदोबस्त आमर मंगलाजोड़ी आमर सेपटे से जेहेतु सैंक्चुअरी एरिया यहाँ रेस्ट्रिक्शन अच्छी कितना मंगलाजोड़ी आम सब प्रकार फैसिलिटी अच्छी से प्राइवेट एसोसिएशन नुहे तो जैसे पक्षी सुरक्षा समिति की तीन टा ग्रुप होती काठ हाथ मरा डंगारे से माने जाई भीतर बुलिकर पक्षी देखुंत। सर एत संख्यक विदेश रु पक्षी आसुछंदी खास करी आमको जणेको जानिबाकु चाहुचु केउ समय रु केउ समय पर्यंत पक्षी मानकर आगमन होइताय। आमर एटा अक्टोबर लास्ट एवं फेब्रुवारी लास्ट मार्च पर्यंत पक्षी मानकर एटी ब्रीडिंग सीजन टा हुए जेहेतु से भल खाद्य खाती सहवास एटी हुए कितना कंट्री जाने से छुआ जन्म कर। आउ गोटे कथा जानवाक चाहिए जो बर्तमान को पक्षी जोटा कि स्पेशल रही खास करके गणति कराए से नहीं आमर गडवाल उजन पेंटेल नॉर्दर्न सोबलर आउ ब्राह्मणी रूडी सेलडक लास्ट इयर गोटे दुईटा भेरैटी आसते गोटे सिंगल मैंने गोटे गोटे काउंट होता नुआ भेरैटी जोटा कि दीर्घ 12 वर्ष पर पुणी बैक करता और आम आशा कर पक्षी आस।
ସତ୍ୟଦେବ ସାର୍ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ନଳବଣ ରହିଛି, ନଳବଣରେ ବିଦେଶରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବେ ତାଜା ଚିତ୍ର ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ଏକ ଛୋଟ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୀଳ ଜଳର ଚଦରରେ ଆବୃତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ପ୍ରାୟ 29 ଏକର ପାହାଡ଼ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦ୍ୱୀପରେ ମା କାଳିଚାଈ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କାଳିଚାଈ ଚିଲିକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠାକୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କାଳିଚାଈ ପୀଠରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମକର ମେଳା ଏଠାକାର ଏକମାତ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। रुद्राधि सिंधु आदि शक्ति महामाई विश्वेश्वरी महाकाली नमस्तुते शंख चक्र गदाश पद्म मा काली जय देवी नमस्तुते जय मा ददंग सर्वारिष्ट सर कल्याण गुरु आदि शक्ति महामाई मा काली जय देवी नमस्तुते मा जय मा। मा कालीजाई पीठ रे वर्तमान आमे पहुंचिचु एवं आम सहित अछंती पूजक महोदय अछंती मा कालीजाई को ऐतिहासिक परंपरा जो रहिछि अनन्य एवं या भितरे कथा वस्तु मध्ये रहिछि। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକ୍ରମେ କାଳିଜାଇ ପୀଠର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କାଳିଜାଇ ମାଆଙ୍କର ପୂଜକ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ସତରଶହ 1717 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ମାନସିଂହ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ମା କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର କରୋନା କାଳ 2 ବର୍ଷ ଯାକ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଏଠି ଚଳୁଥିଲୁ, ଚିଲିକା ଚାରିପଟେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯାଇକି ଚଳୁଥିଲୁ। 2 ବର୍ଷ ବି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା କରୋନା ସମୟରେ। ଆଉ ମାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତ ହେଉଛି ମାଙ୍କର 5:30 ମାଆର ସକାଳ ଧୂପ, 12:30 ମାଙ୍କର ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ। ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ହେଉଛି ଭାତ ଡାଲି ବଳିପୋଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାଛ ବଳିପୋଡ଼ା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବପୁରୁ ଯେତେବେଳେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଲୋକମାନେ ଚିଲିକାକୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା 300-400 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପୂଜା କରିବାକୁ ମିଳେନି, ତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଛ ଧରିକି ସେମାନେ ବଳିପୋଡ଼ା ରୂପରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ରୂପରେ ଆଜି ପୂଜା ପାଉଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାତ ଡାଲି ବଳିପୋଡ଼ା ମାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବଳିପୋଡ଼ା। ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି ଗୋଦା ହଉ କି କୁକୁଡ଼ା ହଉ, ସେମାନେ ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ମାଙ୍କର ବଳି ପ୍ରଥା ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ, ମାଙ୍କର ସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ସମର୍ପଣ କରି ଛଡ଼ାଯାଏ ଗୋଦା କୁକୁଡ଼ା। ଆଉ ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହେଉଛି 6:30 ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହୁଏ, 7:30 ମାଙ୍କର ଅନ୍ନଭୋଗ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଏଠି 2 ଟାଇମ୍ ମାଙ୍କର ଅନ୍ନଭୋଗ ହିଁ ଲାଗୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଆମର 2 ବର୍ଷ ଧରି ବହୁତ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏବେ ଗତ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଲୋକ ଟିକେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦିନ ତମାମ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାଲୁଗାଁ କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବାଲୁଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ବରକୁଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାରିକୁଦ ଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ପଥରା ସୁସ୍ତିକପୁରରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଚାରିପଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଗହଳି କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆମର ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗେ 4 ଟା ଭିତରେ, ଏଠି ବୁକିଂ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ଡଙ୍ଗାର ବୁକିଂ ବନ୍ଦ ହୁଏ କାହିଁକିନା ପାଣିର ପ୍ରଖର ରୁହେ ବୋଲି। ଆମର 4ଟା ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରୁହେନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ଯେ 4ଟା ଭିତରେ ଆସିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ 3-3.5 ଭିତରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଖୋଲା ଦର୍ଶନ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର। ସମସ୍ତ ଏବେ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି, ଏଇସବୁ କାମ 3 ବର୍ଷ ଧରିକି ଉନ୍ନତିକରଣ ବିଷୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇଛି 3 ବର୍ଷ ଧରିକି। ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ରାଜା ସାହେବଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାମ ହେଇଛି 3 ବର୍ଷ ଧରି। ମା କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଶକ୍ତିପୀଠ ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତିପୀଠ 4 ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କାଳିଜାଇ ଆଦିଶକ୍ତି ଗଙ୍ଗା ମାତା ଦୁର୍ଗା ମାତା, ଏଠି 4 ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା କାଳିଜାଇ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଜାଇ।
ପୂର୍ବ କାଳରେ ସେ କଳି ଯୁଗକୁ କଳିର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଲା ମା କାଳିଜାଇ। ଏହା ରୂପରେ ଆଜି ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତିପୀଠ ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉଛନ୍ତି ମା କାଳିଜାଇ। ଜୟ ମା। किंवदंती अनुसारे काली और जाई माँ दुईट पृथक पृथक स्वरूप। माँ काली हिंदू धर्मर प्रत्यक्ष अधिष्ठात्री देवी होता बेले जाई स्थानीय अंचल जड़े साधारण झीला जीकि कौन समय चिलिकार गभीर गंड मध्य विलीन हो जाता। सेठे अवस्थित अन्य एक दीप पारिकुद को बहुत करज पिता जा भयंकर झड़र सम्मुखीन होता। झड़र प्रभाव अति तीव्र थी नौकाटी से ही गंड मध्य ओलटी पड़ा। पर जाईर पिता और नाविक उभयवर्ती जाते मात्र जाईर कौन पता मिल ना। आज्ञा विश्वनाथ चिन्हरा महिमा गादी ढेकाना जोरंदारू आस ढेकाना आई आस बारंबार आसे आगर बहुत थर आसे केमी लगे आपको कौन ये रह रह क्षण बाष्पीय सकट देखी चिलिका चारिचर कवि लिखी ना तेणु ये है पीठ जो बहुत खुशी लगे आसिले देखिले जाणिले भल लगे शुणिले भल लगे पीठर महात्मा बहुत खुशी लगे आसिले मन चढ़ चल उठी उठे खुशी लगे माँ को बहुत करुणा अच्छे करुणा लाभ कर शुणाकू मिले जे यही घटनार किछि दिन परे सही बाट दे जाउथबा नाविक माने जाईर कांदणा शुणाकू पाउथिले। तेणु धीरे धीरे तांको माँ कालिंक आख्या दे विपद समय रे स्मरण करबाकू लागिले। अरुण कुमार प्रधान कौटु आसी जोरंदारू महिमा गादी जोरंदा ढेकाना एत बाटर आपजाई संपर्क कौन कह कालीजाई तो गोटे पुराण प्रसिद्ध तीर्थस्थान तेनाली जिते आसले भी मैंने तार अंत ना तेनाली सब आसवाक इच्छा होते प्राकृतिक भर सौंदर्य परिपूर्ण जहाँ कि पूरा समस्त को विमोहित कर दे ना। आम जोरंदा बजार प्राय 60 जन आम आसीचु आसी बुलाबूली चारिड़े करें जा भैरवी जाइलु भैरवी कोविड कटकणा जो बंद अच्छी आउ जा तारातारिणी तारातारिणी कोविड कटकणा जो बंद अच्छी तेनाली चिलिकार सौंदर्य डंगे आसते निश्चित बोट एमती फिल कले खुशी बहुत खुशी आज्ञा बहुत उत्साह बहुत खुशी आम एत खुशी जोटा कि भाषार प्रकाश कर। ऐतिहासिक तथ्य अनुसार माँ कालीजाई मंदिर प्राय 1717 मसीह पारिकोदर राजा श्री जगन्नाथ मानसिंह द्वारा निर्माण होता। यह पर माँ सेठे अधिष्ठात्री देवी रूपे पूजा पाई आसुछन्ति। आम बर्तमान चिलिकार मझीरे अच्छू जहाँ कह कि नलबण रु आम बर्तमान फेरीचु एवं चिलिका मझी गंडे बर्तमान आम अच्छू आम सहित अच्छा आम डंगे बर्तमान उपस्थित रही बालुगाँ चिलिका जो अच्छी मत्स्यजीवी संघ तार प्राक्तन सभापति महाशय अच्छा आम सीधा सड़क पचार कि प्रश्न करवा आपण को स्वागत कर सर सकाळ खबर को आपण को परिचय सकाळ खबर को धन्यवाद मुरलीधर बेहरा प्राक्तन सभापति चिलिका मत्स्यजीवी महासंघ कौन कहे नलबण आगर किभला बर्तमान बर्तमान किभली अच्छे नलबण आज्ञा आम भाषा चारि कोश थी अच्छा से गोटे समवाय समितर अच्छा कालक्रमे गवर्नमेंट गोटे अभयारण्य करभयारण्य बर्तमान मत्स्यजीवी जो माछ मारुले तार जो जीविका निर्वाह करते संपूर्ण बंद कराला जेहेतु विदेशागत पक्षी मान साइबेरिया कास्पियन ह्रद एवं मंगोलिया ये जो विभिन्न ऑस्ट्रेलिया विभिन्न बार्ड्स आसुचंदी पक्षी आसुचंदी से पक्षी जत्न पाई किसी पर्यटक को
लोभाशक्त करने टाणी पर्यटन शिल्प को प्रोत्साहन देवाई सीडीएर आनुकूल्य नलबण या आगामी अध्याय पुणी एक नुआ पर्यटन स्थल सहित आम पुणी आसुचु रहुचु नमस्कार।